हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक और नई भर्ती आई है। सैलरी 80,000 आपको यहां दिख रही है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए भी आपको दी जाएगी। पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, फिर आपको जो और भी प्रोसेस है उसे भी फॉलो करना होगा। आई विल अपडेट यू ईच एंड एवरीथिंग, ईच डिटेल्स आपको जो है इस यहाँ पे मिल जाएगी। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक साझा करें, शेयर करें। अगर कोई इंटरेस्टेड है वो भी इस फॉर्म को भरेगा और डेफिनेटली एग्जाम देने के लिए आप दोनों साथ में जा सकोगे। 8 अप्रैल तक जो है इसकी डेट रखी गई है, 8 अप्रैल तक आप इसे अप्लाई कर पाओगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके चीजों को हम लोग देखते हैं। फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहली बार जो लोग भी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए सीधे मैं आपको पीडीएफ की ओर लेकर चलता हूँ और यहाँ से देखो जो अलग अलग वैकेंसीज है यहाँ से आप देख पाओगे। ये देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट है वो 21 है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ द एसोसिएट प्रोफेसर 46। एसोसिएट प्रोफेसर उनको बोला जाता है जो एक्सपीरियंस वगैरह लेकर कहीं काम करते हैं, उनको असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर बोला जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ तो 100 जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई है। सैलरी देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की सबसे कम है, एकेडमिक लेवल 13-10 के लिए इनको मिलेगा 57,700 रुपए से लेकर 1,82,000 रुपए तक। तो बीच में आप लगभग 80 पकड़कर चलो। आगे देख लेते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 13A होना चाहिए, 1,31,400 रुपए से लेकर 2,17,100 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 14 के लिए 1,44,200 रुपए से लेकर के 2,18,200 रुपए आपको पर मंथ दिया जाएगा। अब यहां से देख लेते हैं कुछ और चीजों को। प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 14 के लिए जो पोस्ट आई हुई है, अलग अलग पोस्ट अलग अलग के लिए आई हुई है। यहां से देख सकते हो एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोलॉजी, 8 अलग अलग वैकेंसीज है। अब यहां से कुछ और वैकेंसीज है उसे भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। हिस्ट्री, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन यानी कि ये जर्नलिज्म वाला है, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, इसके अलावा सोशोलॉजी, स्टैटिक्स और जूलॉजी। टोटल 21 अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। किसके लिए? एकेडमिक लेवल 14 प्रोफेसर के लिए। आगे बढ़ेंगे और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देख लेंगे। एकेडमिक लेवल 13A के लिए वैकेंसी है। एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, बोडो कॉमर्स, बोडो एक लैंग्वेज है इसके लिए वैकेंसी है। कॉमर्स साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वैकेंसी है। सेंटर फॉर द क्लाउड एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ रिसर्च, ज्योग्राफी का एक पार्ट है, वहाँ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी एंड द वाइल्ड लाइफ साइंस के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। जूलॉजी है, इसके अलावा हिंदी आपको दिखेगा, हिस्ट्री दिखेगा, लॉ दिखेगा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, फिलॉसफी और फिजिक्स। यहाँ भी टोटल 21 और 21, देखो टोटल 42 पोस्ट जो है हो चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं और 6 पोस्ट क्या है। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, स्टैटिक्स और जूलॉजी की रिक्रूटमेंट है। अब फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ से जो है आप देख पाओगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंथ्रोपोलॉजी यूआर के लिए 2 वो वैकेंसी है। आर्कियोलॉजी के लिए 3 वैकेंसी है, 1 SC, 2 UR के लिए। आसामीज के लिए भी रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा बोडो, बॉटनी, सेंटर फॉर क्लाउड एंड क्लाइमेट रिसर्च चेंज, यहाँ से आप जो है इसे देख सकते हो। केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, जूलॉजी, लॉ सब आपको दिखेगा, मैथमेटिक्स भी आपको दिखेगा, फिजिक्स भी दिखेगा, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, जूलॉजी वगैरह सब कुछ आपको दिखेगा। अब देखिए टर्म एंड कंडीशन में आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। आपको जाना है cottonuniversity.ac.in पे, ठीक है, उसके रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाना, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें बताई गई है। 1,000 रुपये का जो है आपको फी पेमेंट करना होगा। और देखो अगर आप SC ST हो तो आपको 1,000 रुपये में काम चल जाएगा अप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई विदेश से अप्लाई कर रहे हैं तो $100 उनको यहाँ पे करना होगा। $100 लगभग 8,100-200 रुपए के करीब उनको जो है फी पेमेंट करना होगा। ओनली एडमिट कार्ड और पास सर्टिफिकेट ऑफ HSLC और HS ऑफ इक्विवेलेंट इशूड बाय द कंसर्न एजुकेशन विल बी कंसीडर द प्रूफ ऑफ द, देखो सीधी सीधी बात बोली जा रही है, 10th जिन्होंने कर रखा है, जो डेट ऑफ बर्थ उसमें है वही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है।
आगे देख लेते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो फॉलो की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर अदर कंट्री से आते हो, आई मीन अदर स्टेट से आते हो, तो यू आर वाली कैटेगरी में आप यहाँ पे हो जाओगे। आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ों को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो अब यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट, यानी कि कैंडिडेट को क्या करना होगा, ईमेल करना होगा सॉफ्ट कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उसे प्रिंट करा, आई मीन उसे पीडीएफ बना लेना है, और रिक्रूट 2024@cottonuniversity.ac.in पे आपको फिल कर देना है, और सेंड हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद द फोटो कॉपीज ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। देखिए सबसे पहले तो ईमेल भी सेंड करना है, हार्ड कॉपी भी सेंड करना है, द रजिस्टर्ड कॉटन यूनिवर्सिटी पान बाजार गुवाहाटी 780001 इंडिया, यानी कि आसाम से रिक्रूटमेंट आई है, आपको यहाँ हार्ड कॉपी भी भेजना होगा। तो अगर आप अप्लाई करने के लिए चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई। और कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं, यहाँ से देख लो, ये इन्होंने अपना डिटेल्स दे रखा है, इन डिटेल्स पे जो आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। आगे और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, क्या क्या बातें बताई गई है वो देख लेता हूँ मैं। देखो सॉफ्ट कॉपी के लिए लास्ट डेट 2 अप्रैल रखी गई है, 8 अप्रैल जो है हार्ड कॉपी के लिए जो आप ऑफलाइन जो है भेजोगे। क्या क्या आपको भेजना है वो देख लो यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप ऑनलाइन करोगे, फी रिसीट यानी कि जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो उसकी रिसीट चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ एज सर्टिफिकेट, 10th का है तो 10th के जो मार्कशीट है उससे काम आपका यह सर्टिफिकेट से चल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जिनको जरूरत है वो डालेंगे, मार्कशीट डालना है आपको 10th 12th यूजी पीजी जो भी आपने कर रखा है वो, इसके अलावा अगर आपने कुछ और कर रखा है वो भी, नेट GRF SLET सेट जो भी आपने कर रखा है वो भी, PhD अगर करा है तो वो आप एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है वो, NOC अगर आप कहीं पे काम कर रखा है तो NOC भी आपको लेना होगा, और यहाँ पे दसियों तरह की चीज़ें हैं यहाँ से आप देख पाओगे। ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम से आप क्या कर सकते हो, इसे इंस्टॉल कर वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाय द वे ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए देवघर झारखंड से बना रहा था, ये वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, विथ योर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है, और भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आएगी उसकी सूचना टाइम टू टाइम मैं देता रहूँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।